हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.2 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 19.2 के मैं चार पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्व किया है, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। ओके, आपको रेशियो गिवन है, आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, ये वाला। अब यहां पर आपको रेशियो गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का, है ना, रेशो के फॉर्म में 1:2 आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको निकालना है, यानी वॉल्यूम आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ओके, आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आपको साथ में ये भी गिवन है कि आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ओके, और टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना है बच्चों, 1:2। ओके, अब देखिए, आपका जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, यहां पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यही तो होता है। तो बच्चों, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको आर और एच का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहला स्टेप है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू गिवन है वो आपको यहां पर नहीं लिखना, ठीक है। यहां पर आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है ना। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, अब आपको ये चीजें मालूम है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहां पर अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2πRH। ओके, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 2πRR+H। ओके, इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर देखिए 2πR से 2πR आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपके पास आ जाएगा H अपॉन R प्लस H, ओके, इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2H इज इक्वल टू R प्लस H। ओके, तो यहां पर देखिए 2H माइनस एच इज इक्वल टू आर, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल टू आर। ओके, तो यहां पर आपने ये प्रूव कर दिया कि जो हाइट है, ओके, जो आपकी हाइट है वो रेडियस के बराबर है। ओके, ये जो आपका रेडियस है, ओके, ये R किसके बराबर है, H के बराबर है ना। अब बच्चों इसको थोड़ा और ध्यान से समझना, आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है। ओके, आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 616, तो यहां पर आप लिख देंगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपका गिवन है 2πRR+H। ओके, 2πRR+H। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि जो H है वो R के बराबर है। अब देखिए, आपके पास यहां पर दो R हैं, एक H है, तो H की जगह हम R रख देंगे, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना।
तो हम यहां पर रख देंगे इस h की जगह r, क्योंकि ये आप प्रूव कर चुके हो कि h जो है वो r के बराबर है. ओके 616. ओके अब आप इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7. ओके ये आपका r है. ओके ये आपका हो जाएगा 2r, ये आपका हो जाएगा 2r. ओके तो बच्चों इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है तो आपका ये आ जाएगा 308. ओके फिर ये आपका 2 से फिर चला जाएगा, कितना आएगा 154. ओके अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. अब यहाँ पर देखिए कितने से जाएगा, अगर आप 11 से इसको करते हैं सॉल्व तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा. ओके और यहाँ पर आपका कितना आएगा 14. ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोबारा से, ये 2 से आपका जाएगा 7. ठीक है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका जाएगा देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ये आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, ये आपका 49 हो जाएगा. ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका अंडर रूट 49. ठीक है और इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7. ओके तो ये आपका पेयर फॉर्म होता है, तो r का वैल्यू आपके पास आ जाता है 7. ठीक है तो जैसे ही आपके पास r का वैल्यू आता है तो इसका मतलब है h का वैल्यू भी कितना होगा 7, क्योंकि h और r दोनों आपके बराबर हैं. मेरी बात आ गई समझ में? ठीक है तो यहाँ पर आपके पास h और r का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7, है ना. तो जैसे ही आपके पास इन दोनों का वैल्यू आ जाता है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे, है ना. आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली है तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 22 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 इंटू 7. ओके तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब. ओके क्योंकि आपका ये वॉल्यूम है. ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस हैड डायमीटर 21 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए ये भी बहुत आसान है आपका क्वेश्चन. आपको एक सिलेंडर गिविन है. ओके इसके अंदर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू गिवन है, कितना आप यहां पर लिख लीजिए. आप इस क्वेश्चन को समझते जाइएगा साथ साथ. कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके एंड इट्स बेस हैड डायमीटर 21 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है. ओके इस डी का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है डी का वैल्यू आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर. तो आर का वैल्यू कितना होगा बच्चों 21/2. ओके इसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों बताइए जल्दी से, पाई आर स्क्वायर एच. ओके अब देखिए इसके लिए आपको आर का वैल्यू और एच का वैल्यू मालूम होना चाहिए. आर का वैल्यू आपको यहां से मालूम चल गया, ठीक है 21/2, और h का वैल्यू आप कहां से निकालेंगे यहां से. ओके तो चलिए हम यहां पर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप यहां पर लिखेंगे 2πRh. ओके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, r का वैल्यू यहां पर रख देंगे. ओके 22/7 इंटू आर, तो r की जगह आप रखेंगे 21/2. ओके तो यहां से आपका h का वैल्यू निकल जाएगा. ओके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 3 पर जाएगा. ओके और ये आपका 11 पर जाएगा. ओके इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है 660. ठीक है यही आएगा. इसके बाद आप देखिए 11 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कितना आएगा बच्चों, ये आपका आएगा
जीरो, ठीक है। अब आपका ये थ्री जो है, यहाँ से आप इसको 60 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितने पे जाएगा, ये जाएगा आपका 20 पर, ठीक है। तो हाइट का वैल्यू आपके पास आ चुका है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यू को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा वैल्यू कहाँ पर जाएगा और किसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है हर बार, ठीक है, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो आंसर है वो बहुत जल्दी आएगा, है ना। तो चलिए अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला आपको मालूम है, हाइट आपने निकाल ली है, आर का वैल्यू आपको मालूम है, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आपके सामने होगा, ठीक है, और बस सही से आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है ना। आर का वैल्यू 21/2 स्क्वायर है, तो आप दो बार लिखेंगे। ओके, एच का वैल्यू आपको मिल चुका है 20। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 10 पर जाएगा, ठीक है, और ये आपका जाएगा 11 पर, ठीक है। आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी वैल्यूज को, तो आपके पास आंसर कितना होगा बच्चों, 6930 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास आ चुका है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आपने देखा कितना आसान था, आपको जो भी गिवन होता है आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आपको वहीं से स्टार्ट करना होता है और धीरे धीरे करके आपको चीज़ों को लिंक करना होता है ना। जैसे आपसे यहाँ पर पूछा था हाइट का वैल्यू, तो आपने हाइट का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया और आर का वैल्यू आपको गिवन था और आपने यहाँ पर निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना।